जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बालों में। सो आप लोग देख ही सकते हैं कि आजकल मेरे बाल जो है ना खुद भी बहुत ड्राई हो रहे हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना कोई होम रेमेडी पहले बनाई जाए और उसके बाद आप लोगों को बताया जाए। मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ और 100% इसके रिजल्ट आते ही आते हैं। बहुत ही इजी है गाइस, बट इसके लिए आप लोगों को वीडियो एंड तक देखनी और स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आप लोगों ने एक प्याली और एक चम्मच ले लेना है और साथ ही साथ हमने इसमें डालना है योगर्ट। और गाइस, यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत ही फनी सीन हो गया कि मेरा जो चम्मच था ना वो दही के अंदर ही जा रहा था। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कोई बड़ा चमचा लीजिएगा। सो गाइस, ये मैंने ले लिया है थोड़ा बड़ा चमचा और मैंने ये 3 स्पून्स डाले हैं। तो आप लोग अपने बालों को, मतलब जितने आपके बाल लंबे उतनी क्वान्टिटी में आप दही डालिएगा। ये देसी टोटका गाइस 100% आप लोगों के बालों को सिल्की स्ट्रॉन्ग, घने और लॉन्ग हेयर करेगा। गाइस, जितना आप लोगों का योगर्ट जो है थिक होगा उतना ही आपका देसी टोटका अच्छा बनेगा। सो गाइस, इसके साथ ही साथ आप लोगों ने एलोवेरा जेल ले लेनी है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग जो घर में होता है एलोवेरा वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, आप लोगों ने साथ साथ ही मिक्स करते रहना। आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप एलोवेरा 1 स्पून भी डाल सकते हैं और 1/2 स्पून भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैंने ऑलपर्स की क्रीम ले ली है जो कि आप लोगों ने 1/2 स्पून डालना है। ये जो क्रीम है गाइस, इसका बेनिफिट ये है कि आप लोगों के बालों को ये बहुत ही सिल्की करेगी। सो गाइस, हम लोगों ने 1/2 स्पून क्रीम का भी डाल दिया और अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, अब बारी आ जाती है हमारे मायो सॉस की। इसका बेनिफिट मैं आप लोगों को बताती चलूं कि आप लोगों के बालों को सिल्की भी करेगा और टूटने से भी रोकेगा। इसका मैंने यहाँ पे गाइस 1/2 स्पून ले लिया। आप इसका 1/4 स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इसको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को 100% रिजल्ट मिलेगा। आप ज़रूर ये रेमेडी यूज़ कीजिएगा। मैं ये यूज़ करती हूँ वीक में 1 बार या 2 बार। सो गाइस, अब बारी आ जाती है ऑयल डालने की। आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ बिकॉज एज़ यू नो के कोकोनट ऑयल ड्राइनेस नहीं आने देता बालों में। आपने दोस्तों हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, आपने कोई भी टोटका बनाना है अगर तो आपने उसमें ऑयल ज़रूर यूज़ करना है। बिकॉज अगर आप टोटका यूज़ करते हैं तो ड्राइनेस भी आपके हेयर्स में कर सकता है। तो ऑयल जो है वो कंट्रोल करता है इस चीज़ को। यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 स्पून्स ऑयल के यूज़ किए हैं। अब बारी आ जाती है गाइस हमारे टमाटर डालने की। आपने पूरे बालों में एक टमाटर यूज़ नहीं करना, हम इसको 1/2 कट करेंगे और 1/2 यूज़ करेंगे। गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ कि टमाटर का आपने अच्छे से जूस निकालना है। आप लोगों ने ऐसे ही नहीं पकड़ के डाल देना अंदर। सो गाइस, अब हमारा टमाटो जूस भी रेडी है बट इसमें अभी भी छिलके हैं बिकॉज हमने इसका जूस निकालते वक्त छिलके नहीं फेंके थे बिकॉज अभी भी इनके छिलकों में जूस है। सो गाइस, आपने हाथों से ही निचोड़ना है पहले इसका जूस, उसके बाद हमने अपने बाकी मिक्सचर में इसको ऐड करना है। सो गाइस, ये हमने फाइनली सारा जूस डाल दिया है अपने बाकी मिक्सचर में और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सो गाइस, यहाँ आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने थिक मिक्सचर बनाना, आपने बिल्कुल लिक्विड नहीं बनाना। अगर तो आपका मिक्सचर लिक्विड होगा तो आप लोगों को इतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो गाइस, आप लोग खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि मैं हेयर वॉश करके आ गई हूँ लगा के और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बालों में कितनी शाइन और मेरे बाल सिल्की और स्ट्रेट भी लग रहे हैं पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। मैं तो दोस्तों इस रेमेडी से बहुत खुश हूँ।
सो गाइस आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।